हेलो किसान भाई, आज हम बात करेंगे श्रीराम सुपर 303 गेहूं बीज के बारे में। किसान भाई, सफ़ेद बाली की जो है एक बीज है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, आप लोग पता कर सकते हैं QR कोड से। यहां पर स्क्रैच जाता है, खोने के बाद में एक नंबर देगा और नीचे वाले नंबर पर किसान भाई SMS करना पड़ेगा। SMS करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरीके से आपके मोबाइल नंबर पर SMS आ जाएगा, जो कि से आप पता भी कर सकते हैं यह बीज ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी जो पैकिंग है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं किसान भाइयों, यहाँ पर देख सकते हैं इस नंबर पर मैंने अभी खोया नहीं है किसान भाइयों, इसे मैं खो भी नहीं सकता क्योंकि जो किसान भाई इसे लेंगे वो अपने मोबाइल से इसे खुद चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी पैकिंग है, यहाँ पर पीछे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी पैकिंग है, जो ये सोने कलर की दिख रही स्टिकर, यही इसके प्रमाणित होता है कि ये वजन बीज है। यहाँ इसका पेपर में दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं वाइट है श्रीराम सुपर 303, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते होंगे किसान भाइयों, ये ओरिजिनल बीज है। इससे जो है कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का जो है दिक्कत नहीं है, इसे आप बेहिचक आप जो है मार्केट से खरीद सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों मार्केट में बहुत सारी कंपनी जो है 303 है, जो कि डुप्लीकेट के नाम से भी उपलब्ध हो जाती हैं। किसान भाई, सुपर 303 को जो है लेने से पहले आप जो है स्वयं अपने बीज को जांच करें, अपने मोबाइल पर SMS मंगवाएं जो कि कंपनी के है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कंपनी का जो है पूरा बायो डाटा दिया गया है, इसे आप संपर्क कर सकते हैं ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। किसान भाई, इसका हम आप लोगों को बीज भी दिखा सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका बीज है जो कि मोटे दाने में है और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर देख सकते हैं किसान भाई, बहुत ही गजब का इसका दाना है। किसान भाई, इसके पैदावार के बारे में बात करें तो एक एकड़ में कम से कम 22 से 23 क्विंटल आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अच्छी पैदावार देने में सक्षम है किसान भाइयों। इसकी अवधि किसान भाइयों, ये जो है 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है कटाई के लिए, जो कि अच्छी पैदावार देती है किसान भाइयों। और खाने में किसान भाइयों बहुत ही स्वादिष्ट होता है इसका रोटी भी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दाना कितना खूबसूरत है, मोटा मोटा दाना है। किसान भाई, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसी से संबंधित वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।